नमस्कार दोस्तों। दोस्तों बहुत से फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर सर्विस ओवरलैपिंग एरर क्या होती है, सर्विस ओवरलैपिंग एरर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या हम इसको ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं। अगर किसी फ्रेंड्स की सर्विस ओवरलैपिंग एरर हो गई है तो फिर उसका पैसा हम निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, और अगर पैसा नहीं निकलेगा तो हमको क्या प्रोसेस करनी होगी, इसका हम करेक्शन कैसे करेंगे। तो दोस्तों आज के बारे में सर्विस ओवरलैपिंग एरर के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको सर्विस ओवरलैपिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी, इस बात का मैं दावा देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि सर्विस ओवरलैपिंग एरर क्या होती है, इसका सोल्यूशन क्या होगा और इससे हम पैसे कैसे निकाल पाएंगे अगर हमारी सर्विस में सर्विस ओवरलैपिंग एरर आ चुकी है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट और रहेगी, आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर्विस ओवरलैपिंग एरर क्या होती है। बहुत से फ्रेंड्स को पता होगा कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिजाइन में अगर आपकी डेट ओवरलैप हो जाती है तो इसको सर्विस ओवरलैपिंग एरर बताते हैं। फिर भी अगर बहुत से फ्रेंड्स को पता है, अगर आपका बैलेंस आपका कुछ नहीं जमा हुआ है कंट्रीब्यूशन, तो आप इसको पैसा निकाल सकते हैं। अब इसके लिए हम लाइव प्रूफ दिखाते हैं, तब आपको और भी थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने एक अकाउंट को लॉग इन कर लिया है। अकाउंट को आप इस टाइप से लॉग इन कर सकते हैं। आपको पता होगा सभी फ्रेंड्स को कि अकाउंट कैसे लॉग इन करते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा व्यू, आपको व्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास सर्विस हिस्ट्री, आपके सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितनी भी कंपनीज में आपने जॉब की होगी सबकी सर्विस हिस्ट्री आ जाएगी। यहाँ पे आपका यूएएन नंबर एक ही रहता है, ध्यान रखना है, मगर आपकी हर कंपनी में आपकी मेंबर आईडी अलग अलग क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो इन्होंने एक कंपनी है 31/7/2021 को इन्होंने एक कंपनी को रिजाइन कर दिया, ठीक है, ध्यान रखना है डेट 31/7 के लिए रिजाइन कर दिया। और यहाँ पे इन्होंने जो नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन की है वो 30/7/2021 को ज्वाइन कर ली, मतलब इन्होंने पहले ये कंपनी ज्वाइन हो गई और रिजाइन डेट इसमें बाद में पड़ गया। तो फ्रेंड्स जो लॉजिकल रूल है वो ये है कि आप किसी कंपनी को रिजाइन करेंगे तो रिजाइन की डेट आपकी पहले पड़ेगी और जो आप कंपनी ज्वाइन करेंगे उसकी अगली डेट होगी, मतलब इस डेट से आपकी अगर अगली डेट आती है तो आपकी कोई इशू नहीं आएगा। अगर इस डेट की आपकी पहली डेट आ गई, मतलब आपने 31 जुलाई को कंपनी छोड़ी है और 10 जुलाई को कंपनी ज्वाइन कर ली, मतलब आपने इसमें 21 दिन पहले कंपनी ज्वाइन कर ली, तो इस टाइप की एरर को सर्विस ओवरलैपिंग एरर बोलते हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि इसका हम करेक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स करेक्शन के लिए आपको ज्वाइन डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, उसकी प्रोसेस अभी बदल चुकी है। हम आपको बताएंगे ज्वाइन डिक्लेरेशन फॉर्म किस टाइप का प्रारूप में आ चुका है, अब उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे। जिस टाइप से पहले हम ज्वाइन डिक्लेरेशन फॉर्म भरते थे वो ज्वाइन डिक्लेरेशन फॉर्म अब अप्लीकेबल नहीं होगा, नया टाइप का फॉर्मेट आ गया है। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं क्या हम इस सर्विस ओवरलैपिंग एरर से अपना बैलेंस निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो फ्रेंड्स इसके लिए ध्यान रखना है, अगर आपकी जॉब है वो सर्विस ओवरलैपिंग में है, अगर आपका इसका कंट्रीब्यूशन है ना, अगर आपकी पुरानी कंपनी का कंट्रीब्यूशन नई कंपनी की कंट्रीब्यूशन की डेट से ओवरलैप कर जाता है, फ्रेंड्स ये होती है कि अगर आपका दोनों कंपनियों का कंट्रीब्यूशन ओवरलैप कर जाता है तो इसको सर्विस ओवरलैपिंग एरर बोलेंगे। अगर आपकी डेट ओवरलैप होती है मगर आपका कंट्रीब्यूशन ओवरलैप नहीं होता, मतलब अगर आप 31/7 के बाद भी आपका इस कंपनी का पैसा आपकी इस मेंबर आईडी में जमा हुआ है और आपकी नई कंपनी है वो 10/7 का भी पैसा आपका पीएफ का आपका इसी मंथ में ज्वाइन हुआ है, मतलब एक टाइम पे एक महीने में दो कंपनियों का मेंबर आईडी में आपका पैसा जमा हुआ है, तब आपको इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, आपकी सर्विस ओवरलैपिंग हो जाएगी। मगर आपका अगर कंट्रीब्यूशन इसमें जमा नहीं हुआ है और आपके नई उसी मंथ में सिर्फ इस कंपनी का वो पैसा जमा हुआ है तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन को चेक कर लेना है, ठीक है। इस टाइप से आपकी सर्विस ओवरलैपिंग एरर को देख लेंगे। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि भाई मान लो किसी की फ्रेंड्स की सर्विस ओवरलैपिंग एरर तो हो गई, अब इसको हम करेक्शन कैसे करेंगे, ठीक कैसे होगा। तो यहाँ ध्यान रखना है, या तो आप इस कंपनी की नई कंपनी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको सही करवानी होगी या फिर प्रीवियस कंपनी की आप डेट ऑफ लिविंग आपको सही करवानी होगी, मतलब ये डेट आपकी एक होती है, आप पहले कंपनी को छोड़ेंगे उसके बाद ही ज्वाइन करेंगे, तो इस टाइप से आपको अपनी डेट चेंज करवाना होगा। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम आपको नया फॉर्मेट दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स आपके सर्विस ओवरलैपिंग एरर के लिए आपको ऑनलाइन भी प्रोसेस कर सकते हैं और ऑफलाइन भी प्रोसेस कर सकते हैं, मगर फ्रेंड्स अभी जो प्रोसेस है वो प्रेजेंट टाइम पे सिर्फ ऑफलाइन ही प्रोसेस है, ऑनलाइन की प्रक्रिया अभी आने वाली है बहुत जल्दी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप जो आप देख रहे हैं इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, रिलेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ लिविंग, ये डेट आप ऑनलाइन भी ठीक कर सकते हैं। मगर फ्रेंड्स अभी आप जो करेक्शन कर सकते हैं तो आप सिर्फ ऑफलाइन मेथड के ही द्वारा कर सकते हैं, अगर आप कुछ टाइम का वेट कर सकते हैं तो आपको ऑनलाइन प्रक्रिया मिल जाएगी। तो फिलहाल आपको करना क्या होगा, ये जो फॉर्म है आपका ज्वाइन डिक्लेरेशन फॉर्म है, बहुत से फ्रेंड्स को पता होगा नॉर्मली
कि ज्वाइन डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने के द्वारा आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ लिविंग सही हो जाती है। मगर फ्रेंड्स आपको जो नया अपडेट किया है अभी वो ये क्या है, जो आपको ज्वाइन डिक्लेरेशन फॉर्म होगा वो आपके कंपनी के लेटर हेड पर ही आपका इसको प्रिंट करवाना होगा। पहले क्या होता था, हम आप किसी भी साइबर कैफे जाते थे, इस फॉर्म को प्रिंट करवाया, उसको फिल किया और कंपनी से वेरीफाई करा के पीएफ ऑफिस में जमा कर दिया। मगर अब इसका रूल चेंज हो चुका है, अब आपको करना क्या होगा, इस वाले फॉर्मेट को आपको यहाँ लिखा है ऑन लेटर पैड ऑफ स्टेटमेंट, मतलब आपके कंपनी के लेटर हेड पर आपको इस फॉर्म को प्रिंट करवाना होगा और प्रिंट करने के बाद आपको जो भी करेक्शन करवाना होगा उस करेक्शन को करवाएंगे। साथ में इसमें कंपनी के 5A फॉर्म भी ले जाएंगे और सारे डॉक्यूमेंट भी ले जाएंगे इसके साथ में, और यहाँ पे इसको फॉर्म को फिल करना होगा। और इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपके सामने सेकेंड फॉर्म भी आएगा इस टाइप का, अगर इन केस किसी की कंपनी बंद हो जाती है तो ये फॉर्म आपको किससे वेरीफाई करवाना होगा, उसके लिए भी इन्होंने एक नया रूल निकाल दिया है। यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ कंपनी क्लोज, ठीक है, तो आपको ये फॉर्म फिल करवाना होगा और ये फॉर्म आपके गांव में रहते हैं तो गांव के प्रधान मुखिया या फिर MLA, ठीक है, इन टाइप से वेरीफाई करवा लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका तो करेक्शन हो जाएगा। अगर आप दोस्तों जानना चाहते हैं कि इस फॉर्म को हम दोबारा जो नया अपडेट किया है इसको हम कैसे फिल करेंगे, क्या क्या डिटेल फिल करनी होगी, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक को बना दूंगा कि आप जो नया फॉर्मेट आया है इसको हम कैसे फिल करेंगे। फिलहाल मैं आपको जो फॉर्मेट देना है, अगर आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका फॉर्मेट का PDF फॉर्मेट सेंड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड इस प्रकार से आपकी सर्विस ओवरलैपिंग इधर के सारे क्वेश्चन के डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं। अगर आपके मन में फिर भी कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर मुझे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, वहां मुझे फॉलो करके चैनल को सब्सक्राइब किया और स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए, फिर हम प्रॉब्लम के बारे में आपकी डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि जानकारी बहुत हेल्पफुल है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हम मिलते हैं आपसे नए टॉपिक और नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।